नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट वन पे। मेरा नाम है गौरी शंकर और आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस पॉइंट वन चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 3, जो कि बहुत ही SSC रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी NTPC लास्ट आज एग्जाम है और रेलवे ग्रुप डी स्टार्ट होने वाला है, CHSL स्टार्ट होने वाला है, तो 1x1 मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज व्हाट। किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि 3 क्रमागत विषम, 3 क्रमागत सम, 5 क्रमागत विषम, 5 क्रमागत सम, 7 क्रमागत विषम, 7 क्रमागत सम, 9 क्रमागत विषम, 9 क्रमागत सम, तो करना क्या है ना कि 3 क्रमागत विषम बोला है तो 3 लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि योग 147 है, ठीक है, तो 147 को 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 4 जा 3 9 जा, ये 49 टाइम्स में कटेगा तो 49 जो आएगा वो बीच वाला नंबर आएगा। इसके पहले अगर पूछा जाएगा तो 47 होगा, इसके बाद पूछा जाएगा तो 51 होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, है ना, तो बीच वाली संख्या कितना आ रहा है, 49, तो 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन को, लेकिन हाँ इसमें जोड़ा वाला नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, बिना जोड़ा का, जैसे 3 5 7 9 इस तरीके से क्रमांकत पूछेगा, ठीक है। और अगर 4 6 2 इस टाइप का रहेगा तो मैं उसके लिए भी एक अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए। क्या है क्वेश्चन, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s के किस रूप में संबंधित होगा। इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज s, देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर इज इन द टर्म्स ऑफ s इज व्हाट। चलिए बनाइए क्या होगा, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनता है। 5 क्रमिक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और पूर्णांकों का योग कितना है, s है, तो s by 5 ये जो हो जाएगा ये बीच में हो जाएगा, मतलब s by 5 क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो यहाँ वाला आएगा, मतलब इसमें यहाँ इससे 1+ होगा, आगे इसमें होगा, फिर इससे 1+ होगा इसमें, इसका मतलब कि इससे जो है यहाँ वाले नंबर कितना ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा, 1 और 1 2, तो हम क्या करेंगे इसमें 2+ कर देंगे। अब ये देखेंगे कि ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऐसा ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 LCM हो जाएगा और s हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी s+10/5 जिस ऑप्शन में रहेगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा क्योंकि s+10/5 है इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, SSC CHSL में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 and 90 इज व्हाट। 80 और 90 के बीच सभी आभास संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 80 और 90 के बीच में सबसे पहले ये बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है।
तो 80 और 90 के बीच में एक 83 संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या, और एक जो है 89 अभाज्य संख्या है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका दो फैक्टर हो, ठीक है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 83 और 89 क्या है, दो ऐसी प्राइम नंबर है 80 और 90 के बीच में जिसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे बनेगा, अब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, ये दो अंक का नंबर है, ये भी दो अंक का नंबर है, तो दो अंक का नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 2, 4, 6 नंबर का अंक तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका इकाई अंक 9, 27 है, यानी कि इकाई अंक पे 7 आएगा, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये 6 अंक संभव नहीं है, तो ये 4 अंक वाले मेरा राइट आंसर हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे तो ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस टेक्निक से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 to 97 इज व्हाट, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 75 से 97 तक, 75, 76, 77, 78 इस तरीके से कहाँ तक, 97 तक का पूछ रहा है योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू वाले नंबर को लिखेंगे और लास्ट वाले नंबर को लिखेंगे, बाई टू करेंगे और इनटू इसके बीच में कितना संख्या है, इसके लिए क्या करेंगे कि 97 में से 75 घटाएंगे और गैपिंग कितना का चल रहा है, एक एक का चल रहा है, इसलिए एक लिखे और प्लस वन हमेशा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 9, 7, 16, 1, 17 by 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 97 में से 75 जाएगा तो 22 और प्लस 1 23 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2, 8, 16 और 2, 6, 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 86 × 23 हो जाएगा, मतलब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, 6, 138 यानी 8 हो जाएगा और 23, 8 इसके बाद ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1978 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मारेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, तो इस तरीके से बनाना है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा, चलिए बताते हैं, देखिए क्या होगा। 100 से नीचे जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है वो 97 होता है, ठीक है, क्या होता है, 97 होता है, और ये क्या है, बड़ी अभाज्य संख्या 100 से कम में, और सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होता है ना, वो 2 होता है, और इसी का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर माने क्या होता है, घटाव होता है, 97 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा, तो 95 जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मार देंगे, तो डी ऑप्शन में 95 है, ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल 10+2 एलडीसी डीईओ पीएएसए एग्जाम 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, है ना। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले में लेकिन मैं बताया था कि वो जोड़ा वाला नंबर नहीं था, जैसे 3, 5, 7 ये तो क्या है, 4 पूछेगा, 6 पूछेगा, 8 पूछेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 4 क्रमागत बोला है तो 4 गो लाइन खींचेंगे, ठीक है, 4 लाइन खींचेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे,
है ना। और उसके बाद क्या करेंगे कि मेरा जो योग दिया हुआ है वो 36 यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ये सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12, 12 आ गया यहाँ पे, तो इस 12 को हम क्या करेंगे घटाएंगे, है ना। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब इस 24 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 गो संख्या है ना, 4 संख्या यानी 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। अब जिसमें बोलेगा उसमें हम जोड़ेंगे, तो पूछ रहा है कौन सा, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या यहाँ पर ये वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 4 प्लस 6 10, तो 10 मेरा ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 4 पूछेगा, 6 पूछेगा, 8 पूछेगा, तो बिना एक्स माने हुए बनाना है, ठीक है, क्या करना है, बिना एक्स माने हुए बनाना है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन बनता है। अगर एक्स मान के बनाते हैं तो हो सकता है 10 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन ऐसे में बहुत कम सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये था टाइप नंबर 3 का कुछ क्वेश्चन। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखना है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को भी फायदा होगा और मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होना होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।